पिछले बार अपन ने देखा था अरिथमेटिक मीन के बारे में, है ना। अरिथमेटिक मीन में समांतर माध्य में तीन मेथड देखी थी। एक मेथड तो अपनी यहाँ पर स्टेप डेविएशन थी, एक एज्यूम्ड मीन, स्टेप डेविएशन, पद विचलन विधि जिसको बोलते हैं, स्टेप डेविएशन को बोलते हैं पद विचलन विधि। फिर दूसरा आपका यहाँ पर था एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको कल्पित माध्य विधि भी अपन ने बोला था। और एक अपना डायरेक्ट मेथड जो आपका यहाँ पर था, है ना, उसको लघु रीति के नाम से ये लोग बोलते हैं। ये तीन मेथड पे क्वेश्चन करे थे आप लोगों ने, आपने सॉल्व यस किए थे सर, तीन मेथड पे। यस सर। ओके बेटा, चलिए अब अपन लोग आज स्टार्ट का आज देखेंगे अपन मोड के बारे में देखेंगे, बहुलक जो कि 14.2 एक्सरसाइज है। सर सर गुड इवनिंग सर, मोड के बारे में जिसको बोलते हैं बहुलक। मीटिंग में क्या इश्यू हुआ था? वो क्या, मैं जब ज्वाइन कर रहा था ना तो वो बोला था होस्ट इज इन अनदर मीटिंग। वो ओ मतलब सर, मैं हाँ ओके जी 28 28 से वो ट्राई कर रहा था, 28 से सर, फिर मैं देखते रहा, फिर मैं कहा चलो और देखता हूँ, तो उसने बस ज्वाइन नहीं हो पा रहा था उस टाइम। ओ सर मैं चेक कर लूंगा कि क्या इश्यू हुआ, मेरी नहीं सॉरी नहीं सर। हो गया, नहीं नहीं हो गया। ओके सर बस उसके बाद फिर आप भी उसमें देखे, ऑनलाइन भी दिखे जी, और फिर आ गया था। ओके सर, सॉरी सर। अरे नहीं सर, थैंक यू। तो बेटा मोड जो बहुलक आपका है पर, इसके अंदर अपने को करना है एक ही फॉर्मूला सबसे बढ़िया। बहुलक को अपना मोड के अंदर लास्ट ईयर देखा था कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अपन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को मोड कहते हैं, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो वही आपका मोड हो जाता था विदाउट फ्रीक्वेंसी के केस में करते थे। परंतु इस बार व्हाट हैपन, यहाँ पे ये कम निकालते थे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अधिकतम आवृत्ति को ही अपन बहुलक कहते थे। अधिकतम जो सबसे अधिकतम बारंबारता जिसकी होती अपन उसको बहुलक कहते हैं। परंतु अब यहाँ पर क्या होगा, और इसमें क्या होता था कि आपको इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के केस में दे आर नॉट गिविंग यू द दिस ग्रुप डेटा, बट व्हाट हैपेंड व्हेन डेटा आर ग्रुप, तो उस केस में हम लोग कैसे मॉड को निकालेंगे। तो मॉड फॉर ग्रुप डेटा, आप लोगों को तो स्टूडेंट इस बार मतलब एक ही टाइप में, जब स्टैटिस्टिक में थोड़ा सा डीप में जाते हैं, जब इवन 11th क्लास के अंदर कॉमर्स स्टूडेंट काफी डीप में जाके पढ़ता है, तो 11th में आप देखेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर काफी डीप में आपको मिलेगा, तो वहां पर मॉड की एक मेथड, ग्रुपिंग मेथड भी वो भी सीखेंगे आप लोग, देखेंगे वहां पर। यहाँ तो अपने को सिंपल, आप सिर्फ सिंपल एक फॉर्मूला है और उससे हम लोग आगे निकालते हैं इसको। तो मॉड व्हेन ग्रुप्ड डेटा गिवन, यदि आपको ग्रुप डेटा गिवन तो वहां पर मॉड कैसे निकाले। जब आपको वर्गांतरल में दिया हो, वर्गांतर दिए हो और फिर आपको निकालना हो, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर देखते हैं मॉड को निकालना सीखते हैं। तो स्टूडेंट वहां पर मॉड का फॉर्मूला आपके यहाँ पर रहेगा, मैंने पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, मैं फिर इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी उसका मतलब बता। तो मॉड इक्वल्स टू अपने पर जाएगा L1 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अपॉन, इसको डबल कर देंगे, 2F1 आप यहां पर करेंगे माइनस, फिर F0 लिख दो और एक F2, मतलब F1 माइनस F0 को तो आप एज इट इज आप कॉपी डाउन करेंगे, पर इसको आगे 2 लगा देना, ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2। और स्टूडेंट ध्यान रखना ये जो रहेगा ना इसमें h से मल्टीप्लाई करना, क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ध्यान रखना सेकेंड टर्म में हो रहा है, कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पर इस F1 F0 और F2 का मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखिए F0 को बोलूंगा कि F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 बोलूंगा प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F2 बोल दो सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो बड़ा वो लगने लगेगा कि ये क्या बोल रहा है सामने वाला।
मैं आपको पहले एक छोटा सा एग्जांपल देके यहाँ पर बताता हूँ कि प्रेसिडिंग क्या, सक्सीडिंग क्या, मॉडल क्लास क्या, एक हल्का सा छोटा सा एग्जांपल लेके फिर यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज एफ1, व्हाट इज एफ1 भी यही लिखूंगा मैं, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 प्रेसिडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास और F2 लिख दूंगा सक्सीडिंग. बट वी डिस्कस हियर व्हाट इज प्रेसिडिंग एंड व्हाट इज सक्सीडिंग, वो आपके दिमाग में डालना चाहता हूं मैं. देखिए सपोज करो कि किसी ने मुझे क्लास इंटरवल दिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और इसके करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4, 7, 8 और 2. ये अपने को दिया हुआ स्टूडेंट, और उससे बोला इसका बहुलक निकालो, इसका मॉड निकालो. तो आपको यहां भी देखिए प्रेफरेंस तो इसी को देंगे जो उसका बेस है ना, बेसिक जिसको बोलते हैं, बेसिक तो यही है कि आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को मॉड बोलते हैं. तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को ही प्रेफर करना है. मतलब स्टूडेंट यू कंसीडर दिस 8, ये आपका यहाँ पर 8 सबसे बड़ा है. ध्यान रखना इस साल आपको मतलब क्लास 10th में अंदर सिर्फ आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 ही मिलेगी. जैसे आप क्लास 11th में जाएंगे जब वहां पर मॉड पढ़ेंगे तो कई बार आपको दो दो भी मिल जाएंगे मैक्सिमम. तो वहां पर अपन एक ग्रुपिंग मेथड, एक स्पेसिफिक मेथड होती है, उस ग्रुपिंग मेथड को यूज करते हैं फिर अपन मॉड निकालते हैं वहां पर. बड़ा वो भी इंटरेस्टिंग होता है, काफी इंटरेस्टिंग है. अभी आप टेंशन नहीं लेना, आपको एक ही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. यू हैव ओनली वन मैक्सिमम वैल्यू. तो जैसे आप यहाँ पर देखे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई आपकी 8 हो गई. तो स्टूडेंट अब देखिए यहां से मैं आपको F0 F1 F2 का फंडा बताता हूँ. ये जो 8 यदि मैक्सिमम मिला है, दिस 8 इज योर, दिस इज कॉल्ड द मॉडल क्लास. 20 टू 30 को अपन क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास बोलते हैं. अब देखना है ये आपका यहां पर हुआ, तो आपका जिस आपने लिखा ना, हेलो व्हाट हैपेंड बेटे, जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए अपन मॉड पढ़ रहे हैं. 14.1 एक्सरसाइज मैंने आप लोगों पे छोड़ी थी, मतलब अपन ने स्टेप डिविजन मेथड इस पर क्वेश्चंस किए थे, है ना, वो अपन लोगों ने कर लिए थे. फिर उसके बाद तीनों कल्पित माध्य विधि, पद विचलन विधि और शॉर्टकट मेथड, ये अपन ने देखा था, है ना. हर टाइप के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक क्वेश्चन देखा था अपन ने. अब अपन पढ़ रहे बहुलक मॉड पढ़ रहे. तो मॉड में मैंने बताया अभी कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती उसको अपन मॉड कहते हैं. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब बोलते हैं, जब आपको अनग्रुप्ड डाटा हो. तो जो जैसे 5 आपका 6 टाइम यूज हुआ सबसे, जैसे अभी यहाँ पर अभी ये नहीं होता ना स्टूडेंट, तो मैं 8 को मतलब 8 सपोज करो कि 20 टू 30 के बीच में 25 आपका 8 टाइम यूज हो रहा है, तो मेरा मॉड क्या हो जाता, 25 अपना मॉड हो जाता, बहुलक अपना 25 हो जाता. पर ग्रुप्ड इंटरवल हो तो ग्रुप्ड इंटरवल में हम लोग यहाँ पर मॉड यूज करते हैं. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर अपने यहाँ पर ग्रुप्ड इंटरवल के लिए आपको मॉड का फॉर्मूला रहेगा, मॉड के फॉर्म L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 F2. अभी 0, 1, 2 क्या है, प्रेसिडिंग मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी और सक्सीडिंग 0, 1. अब ये यहाँ लिखने की जगह पहले मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं इनको बता रहा हूँ. एक एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी इससे मेरा मॉडल क्लास हुआ. अब स्टूडेंट ये आपका यहाँ पर आया तो आप इसी सीक्वेंस में लिख दो, मतलब आपके फॉर्मूले का F0 ये हो जाएगा, आपके फॉर्मूले का F1 ये हो जाएगा और आपके फॉर्मूले का F2 ये. ठीक है 0, 1, 2. अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा F0 इज द सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, सक्सीडिंग वर्ड यूज करो, प्रेसिडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास की पहले वाली फ्रीक्वेंसी आपके यहाँ पर है, ठीक है, पूर्व वाली फ्रीक्वेंसी ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है. तो प्रेसिडिंग इसके
पहले वाली और F2 मतलब उसके बाद वाली। अब ध्यान रखना कभी आपके साथ ऐसा हो जाए, सपोज करो कि पहले वाला जो क्लास क्लास है यही मैक्सिमम हो जाए, यही मैक्सिमम हो जाए, तो आप ऑब्वियसली ये 14 होगा तो ये तो आपका F1 हो गया, तो F0 तो आपके पास है नहीं, तो F0 की जगह क्या लिख दोगे, जीरो लिख दोगे, F0 जीरो हो जाएगा, ये F1 तो ये F2। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका सपोज करो ये 28 ये बड़ा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया, तो F0 ऊपर आ जाएगा, F1 मिलेगा, बट यू डोंट हैव F2, तो F2 की जगह क्या लिख देंगे आप, जीरो लिख देंगे F2 की जगह, है ना। वह ध्यान रखना इन द टॉप और बॉटम में यदि आपके यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है तो प्रेसिडिंग और सक्सीडिंग उस केस में जीरो होगी, डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पर। तो यहां पर आपका रहेगा F0, आप यहां पर रहेगा फ्रीक्वेंसी, इसमें आप लिख लो क्योंकि बहुत बड़े लाइन आएगी, तो F0 को आप लिखे फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, हिंदी में बताओ F0 को लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के पूर्व की आवृत्ति, F0 में लिखेंगे मॉडल क्लास के पूर्व की आवृत्ति, फिर F1 में लिखे फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 में लिखे फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, और F2 में लिखे फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग की जगह कुछ नहीं सक्सीडिंग वर्ड यूज कर लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। ये आपको आ जाएगा F0, F1, F2 और H, एज यूजुअल अपन उधर पढ़ा है क्लास इंटरवल की लेंथ L1 आपको मालूम है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, L1 इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, और H आपका यहाँ पर जाएगा लेंथ ऑफ इंटरवल, उस पर्टिकुलर इंटरवल की जो लेंथ होगी वो H। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले के बेस पर हम लोग बहुलक निकाल सकते हैं, मॉड को निकाल सकते हैं। आसान बढ़िया सा चैप्टर है, मतलब कुछ नहीं करना है, यदि इसका क्वेश्चन भगवान करे इसका क्वेश्चन आ जाए, मैं बोलता हूँ इसमें जैसे अपने को समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन में अपन देखते थे कि खूब सारे टेबल बनाना पड़ता था, स्टेप डिविजन यदि लगा रहे हैं, पद विचलन यदि लगा रहे हैं, तो यू आई के लिए अलग, डी आई के लिए अलग, एक्स या एक्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना एक्स के काम हो जाएगा। देखिए अपन इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, 14.2 एक्सरसाइज, पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं अच्छे से, पढ़ाई चल रही सबकी अच्छे से? यस सर। ओके चलिए बच्चों 14.2 में आप बोल दो, आपकी चॉइस, जो बोलोगे वो क्वेश्चन कर लेंगे, अगर एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, एक आपसे अभी करवा लूंगा और एक मैं करवा लेता हूँ, फिर अपन मीडियम का डिस्कस करेंगे। बोले 14.2 में आप जो बोलेंगे वो क्वेश्चन करवा दूंगा, आठ छह क्वेश्चन दिए, कोई से भी एक करते हैं। टेल मी, बोलो बच्चों। सर आप करवा दो कोई सा भी। चलो मैं फिफ्थ क्वेश्चन करवा देता हूं। The given distribution shows the number of the runs scored by some top batsmen of the world in one day international cricket match. Run record and number of matches. 3000 से लेके 11000 तक जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फाइव करवा रहा हूं। प्रश्न नंबर पांच, ये रन है या नंबर ऑफ बैट्समैन,
गैप 1000-1000 की है ना, और कंटिन्यूअस सीरीज है। चलो पहले तो क्वेश्चन उतार लेता हूँ। ये अपने को डिटेल दिया हुआ है कि रन स्कोर 3000-4000, 4000-5000, 5000-6000 ये अपने को दिया हुआ है, और नंबर ऑफ बैट्समैन आपके पास है। बोलता है इसका मॉडुलस, ओ मॉडुलस बोलो, मॉड निकाले इसका। तो अपन स्टूडेंट मैंने दिखाया था कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को बोलना है, सो इन दिस केस दिस इज योर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास, यहां लिखना होगा मॉडल क्लास बहुलक वर्ग। मॉडल क्लास क्या होगा, 4000-5000। यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द मॉडल क्लास कि विच इज मॉडल क्लास। अब ये हो गया तो मॉडल क्लास ही बताओ। आपको मैंने क्या सिखाया था, कुछ नहीं, एग्जाम में भी कॉपी में भी फेयर कॉपी में डायरेक्ट या F0 F1 और F2 लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं करना। F0 4 F1 18 F2 9 F0 F1 और F2 4। अब बच्चे ये अपना होने के बाद L1 भी लिखी रहो, L1 4000। जब तक डिटेल लिख रहे हैं तो ये लिखने में कोई बुराई नहीं। फॉर्मूला जरूर लिखे मॉड, आपको तो मॉड को जेड से भी डिनोट करते हैं। अभी आप लोगों के इसमें सिंपल मॉड MO लिख देगा या मॉड भी लिखता है, बट इट डिनोटेड बाय जेड आल्सो। तो M0 इक्वल्स टू मॉड इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0। ऐसे कैसे इसको उतार लो, परंतु इसको ट्वाइस कर लो, ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू H। बच्चे L1 क्या हो गया आपका 4000 प्लस F1 18 माइनस F0 4 ट्वाइस F1 36 माइनस F0 4 माइनस F2 9 और इनटू H 1000 1000। फोर थाउजेंड प्लस 18 माइनस 4 14, ये अपना हो जाएगा 9 प्लस 4 13 13 और 3 16 16 और 23 और इनटू 1000। इसको डिवाइड करते रहेंगे मल्टीप्लाई करके, यू विल गेट योर आंसर। 14000 को 23 से डिवाइड करना, यू विल गेट योर आंसर। कंफ्यूजन सर, 14 अपॉन में 30 बनाएगा ना, देख लेता हूं मैं एक बार। 9 प्लस 4 क्या बोला मैंने, 13 बोला ना, ये 36 है ना बच्चे। सो दिस इज 3 और यहाँ बचेगा अपना 13 आएगा, नहीं आई एम सॉरी वेरी सॉरी 23 ओके 23 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, माइनस 9 माइनस 4 यस। चलो अब इसको अगर कंप्लीट करो और उतारो पहले तो, और अगला क्वेश्चन एक मिनट देता हूँ आपको।
सर डन डन। अब आप लोग अप्रोक्स कर लेते हैं 4608 डेसिमल में भी आएगा। चलिए बच्चे अब आप मुझे इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लो 14.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर लो। पहला प्रश्न करिए फिर अपन मीडियन पे बढ़ते हैं। फटाफट करना बेटा है ना। सर 8.1 सर डन सर आंसर 8.1 देख लेते हैं सर 36.8 देख लेते हैं। कंट्रोवर्सी होने लगी मतलब यस सर डन। बेटा देखना जरा तुम्हारा कहां मिस्टेक हो रहा है। 8.1 नहीं आ रहा। 36.8 आंसर इज करेक्ट। देखो कहां मोड ही निकालना है। अरिथमेटिक मीन तो करा हुआ था इससे अपने मत ज्यादा ध्यान देना। बाकी लोगों का आया 36.8 देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो हो गई 23 मॉडल क्लास हो गया 35 से 45 हो गया है ना। और फिर आपका यहाँ पर F1 हो गया 21 F0 हो गया 23 और F2 हो गया 14। ये किया था सर F1 23 और F0 21 0 1 2 3 हाँ भाई F0 21 F1 23 और बस 012 आपने बस रखना 012 ठीक है। आया कि 8 पॉइंट वाला बंदे का मिस्टेक समझ में आया क्या उसको। यस सर आ गया। चलिए सारे क्वेश्चन इसी टाइप के। मैं अगले आर्टिकल की ओर जाता हूँ मीडियम की तरफ ठीक है। मीडियम का कंसेप्ट देता हूं। समांतर माध्य हो गया बहुलक हो गया और अब अपन पढ़ेंगे इसका आखिरी आर्टिकल स्टैटिस्टिक का दैट इज मीडियम माध्यिका।
बच्चों मीडियन में थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा लंबा सा आर्टिकल है, हालांकि जो सीबीएसई वाले बच्चे उन लोगों को ग्राफिकल मेथड हटा दिया, स्टेट बोर्ड में अभी भी स्टिल ग्राफिकल मेथड इज देयर, ग्राफिकल मेथड है अभी स्टेट बोर्ड के अंदर। तो एक चीज ध्यान रखना, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जब मतलब यही अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, परसेंटाइल डेविएशन, ये सब सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट में आते हैं। इसमें मीडियन ही एक ऐसा है जिसको ग्राफिकली निकाल सकते हैं, बाकी स्टैटिस्टिक में इनको बाकी दूसरे मतलब इसी के मेजरमेंट को ग्राफिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मॉड, तो मॉड और इनको नहीं कर सकते, मीडियन को सिर्फ निकाल। कभी ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि विच मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी मेजर बाय यूजिंग द ग्राफ या बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, सो योर आंसर शुड बी मीडियन। कि निम्नलिखित मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो आप दिए गए माध्यम में से कौन सा माध्य ग्राफी विधि से ज्ञात किया जा सकता है, आपका यहां पर रहेगा माध्यिका, आपके पर है ठीक है। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को देखना हिंदी में क्या, थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ, कुछ याद आ जाएगा बोल दूंगा, किसी को याद है तो बता दो मेरे को। देखिए मीडियन की बात करें, अनग्रुप्ड डेटा, जब डेटा ग्रुप नहीं हो और फिर मीडियन निकालना। देखिए पहले तो रॉ डेटा का मीडियन आपको क्लास 9 से दर लाता हूं। रॉ डाटा जब होते थे जैसे 3, 5, 4, 2, 1, 6, 9, 2, 7 ऐसे डाटा दे दिए, बोले इसका मीडियन निकालो, तो आपको याद दिलाता हूँ, आपको टीचर बोलते थे कि इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, इसको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में जमाए, इन अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। दिस इज रॉ डाटा, अनग्रुप डाटा विदाउट फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी का यहाँ पर इतना यूज नहीं हो रहा, सब अलग अलग, कोई 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 से एक आधा डाटा होगा जो रिपीट हो रहा होगा बार बार, अदरवाइज नहीं। तो स्टूडेंट अपन इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे, डिक्रीज जस्ट जो पसंद हो, चॉइस आपकी। तो आई वांट टू अरेंज इट इनटू द इंक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज नाइन, वन देन टू अगेन टू, टू थ्री, देन आफ्टर दैट थ्री, अब ये अरेंज होने के बाद हम इंक्रीजिंग जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जो बोलते थे, अरेंज करने के बाद हम क्या करते थे, हम नंबर ऑफ डाटा काउंट करते थे, है ना। उसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, इफ नंबर ऑफ डेटा ऑड, यदि नंबर ऑफ डेटा ऑड हो तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता था वो होता था एन प्लस वन अपॉन ट्वेल्थ टर्म। मतलब अभी इसी क्वेश्चन में देखें, नंबर ऑफ डेटा ऑड, नंबर ऑफ डेटा बोल रहा हूं, डेटा की बात नहीं कर रहा हूं कि डेटा ने ऑड होना चाहिए, डेटा ने इवन नंबर, डेटा का इवन और ऑड से कोई मतलब नहीं, काउंटिंग जब करेंगे और वो यदि ऑड आ जाए, आपने काउंटिंग करी अपना ऑड आ गया, ऑड आ गया मतलब 9, आपने देखा 9 आया था, तो आपका मीडियन क्या जाएगा, 9 प्लस 1 अपॉन 12th टर्म, तो 10 अपॉन 2 मतलब 5th टर्म, तो 1 2 3 4 5, मतलब अभी इस क्वेश्चन में मीडियन क्या हो जाएगी, जो एग्जांपल अपन ने लिया इसमें मीडियन हो जाएगी 4 हो जाएगी मीडियन, 9 प्लस 1 अपॉन 12th टर्म, 4 मीडियन हो जाएगी। तो व्हेन नंबर ऑफ डेटा ऑड देन मीडियन इज n प्लस 1 अपॉन 12th टर्म, और व्हेन इफ नंबर ऑफ डेटा इवन, यदि ये इवन हो तो मीडियन का फॉर्मूला याद है आप में से किसी को, क्या करते थे अपन, करते थे n बाय 12th टर्म प्लस n by 2 plus 1th term और दोनों का हाफ, इसका मीन वैल्यू।
n by 2th term plus n by 2 plus 1th term, ये होता था। मतलब मेरा कहने का, सपोज कर अभी यही क्वेश्चन में एक नंबर और लगा देता हूं 11, है ना, तो नंबर ऑफ डेटा अपने कितने 10 हो जाते, तो मैं क्या लिखता 10 upon 2x term, मतलब 5th term, 5 plus 1 6th term और उसका हाफ। बच्चे क्या मिस्टेक करता है, नाइन्थ क्लास में करा, तो घर आप लोगों को तो डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा, तो नाइन्थ क्लास में क्या करता है, जनरली तुमने भी करा होगा, 6 plus 5 11 कर जाता है, they used to write 6 plus 5 11, no, which is wrong, ये नहीं करना, आपको क्या करना होगा, फिफ्थ टर्म कौन सी, 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ टर्म हो जाएगी 4, सिक्स टर्म हो जाएगी 5 और उसका हाफ 9/2, तो आपका मीडियन हो जाएगा 4.5, ये इसका मीडियन हो, तो मतलब फाइनली कंक्लूडेड पार्ट के लिए बात करूं, तो जब भी आपको रॉ डेटा आपके गिवन हो विदाउट फ्रीक्वेंसी, दिस इज क्लास 9th कांसेप्ट, जब नंबर ऑफ टर्म, जब दिए हुए टर्म जो डेटा है, नंबर ऑफ डेटा जितने भी डेटा को काउंट करें, यदि वो ऑड आ जाए, मतलब विषम आ जाए, तो माध्यिका का सूत्र ये हो जाएगा n plus 1 upon 2th term, n plus 1 upon 2th, ये वाला पद आएगा, और ये हो जाएगा n बटे 2 plus 1 upon 2 plus, n upon 2 plus 1th term, और दोनों का मीड वैल्यू, दोनों का एवरेज निकालना, मतलब जो मिडिलेस्ट रहेगा ना, उस मिडिलेस्ट का अपने को एवरेज निकालना, वो आपका मीडियन होता था। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जब ग्रुप डाटा दिया हो, डाटा आपके यहाँ पर ग्रुपिंग हो, और फिर आपसे बोले कि मीडियन निकालो, तो मीडियन फॉर द ग्रुप डाटा, ये उतार लो, एक रिकॉल करने के लिए इसको उतार लो फटाफट। सर डन डन, अदर्स ऑल्सो, अब देखिए बच्चों, अब अपने साथ क्या होगा, जब ग्रुप डाटा हो, ग्रुप्ड बोले या अनग्रुप्ड बोले, खैर अनग्रुप्ड में भी डायरेक्ट हो जाएगा आपको, तो ग्रुप ही करता हूं, नहीं तो डबल माइंड होने लगोगे। जब आपके यहाँ पर ग्रुप्ड डाटा हो एंड यू वांट टू फाइंड मीडियन, तो उस केस में मीडियन का फॉर्मूला होता है, L1 प्लस CF, CF का मतलब होता है cumulative frequency, sorry, n by 2 पहले लिखना था, n by 2, median निकालना था, n by 2 minus CF, CF का मतलब होता है cumulative frequency, n by 2 minus CF, पर ये CF, ये भी specific CF होगा, this is cumulative frequency of the class preceding to the median class, जो मीडियन क्लास आएगी उसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो आपको यहां पर बताओ, अपॉन एफ और इनटू एच, तो यहां पहले तो लिख लो सीएफ और एफ के बारे में लिख लो, तो प्रेसिडिंग सक्सीडिंग का नॉलेज हो गया आपको, फिर वो सीधे क्वेश्चन के अंदर आपको बताऊंगा, सीएफ के बारे में लिख ले, सीएफ में लिख ले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, cumulative frequency of class preceding the median class, cumulative frequency of class preceding the median class, और f हो जाएगा frequency of median class, f होगा frequency of median class, ठीक है, h is nothing, class interval length as it is, और दूसरा आपके यहाँ पर रहेगा L1, L1 क्या रहेगा, lower limit of the median class, L1 is lower limit of median class, है ना, median माध्यिका की निम्न सीमा है, ये जो माध्यिका का जो वर्गांतराल रहेगा उस वर्गांतराल की आवृत्ति है, ये उस वर्ग अंतराल की पूर्व की आवृत्तियों का योग है CF, ठीक है, इस पर हम देखते हैं H इसका लेंथ हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन एक निकालते हैं, फिर इसमें एक कंसेप्ट आपको मोर देन लेस देन वाला लॉजिक आपके दिमाग में डालना है,
कि कैसे आपको जाने वाला। तो फॉर्मूला हो गया, लिख लिया। स्टूडेंट जब भी कंपेयर करते हैं, ध्यान रखना हमेशा, जब भी आपको ऐसा बोले कि भाई कोई बहुत सारे दो तीन चार सालों के रिजल्ट्स, बच्चों की क्लास के रिजल्ट को कंपेयर करना है, तो मीडियन इज द बेस्ट ऑप्शन। मीडियन से एक्यूरेसी और एग्जैक्ट आपको रिजल्ट मिलते हैं। अरिथमेटिक मीन और मॉड से आप उत्तर निकालते हैं, पर मीडियन से आपका एकदम बराबर। अभी थोड़ा सा अंदर जाओगे ना तो इसके ग्राफिकल जब जाएंगे तो सर मतलब नेक्स्ट ईयर आप स्टैटिस्टिक में खूब पढ़ते हैं आप लोग। यस, लाइक दिस इज अ कर्व बनता है आपका। कॉमर्स स्टूडेंट बहुत अच्छा डीप में पढ़ता है स्टैटिस्टिक, एज कंपेयर टू साइंस में भी है स्टैटिस्टिक, पर थोड़ा सा 11th 12th में ही है स्टैटिस्टिक, पर 12th में प्रोबेबिलिटी उसने ऐड किया हुआ। चलिए पहले एक हल्का सा क्वेश्चन स्टेट में करवाऊं आपको, फिर मोर देन लेस देन का लॉजिक दूंगा आपको कि वो क्या होता है और उससे फिर अपने को क्लास इंटरवल कैसे बनाना है। और एक बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, इसको नहीं छोड़ना आपको। चैप्टर में ये वाला मीडियन तो 100% क्वेश्चन पूछेगा। आप कुछ भी कर लो, आपको जो जितने हजार की शर्त लाखों के लगा लो, मेरे से लगाने तैयार हो, जितने लोग प्रेजेंट है सबसे लगा सकते हैं। इस 14.3 एक्सरसाइज से मीडियन से कोई सा भी बोर्ड हो, आईसीएसई, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, एमपी, महाराष्ट्र बोर्ड, कोई सा गुजरात बोर्ड, जिस बोर्ड की शर्त, इससे क्वेश्चन आता है तो आता ही है। हर स्टेट के बोर्ड का पेपर उठा के देख लो, किसी भी स्टेट का रैंडम देखो, वन क्वेश्चन 101% बिल्कुल आता है। मतलब ये 14.3 एक्सरसाइज, मतलब दोनों एक्सरसाइज काम की, पर तो एकदम डैम श्योर वाली, क्या डैम श्योर क्या आना है, करना है इसमें से, मतलब मीडियन से ही विल आस्क वन क्वेश्चन, लिखा हुआ छप गया होगा पेपर, ये पक्की बात। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन उसने बोला द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी of 68 consumers of the locality. एक particular area लिया, एक क्षेत्र लिया, उस क्षेत्र के 68 घरों का उन्हें electricity का consumption के बारे में data इकट्ठा किया। मतलब find median, mean and mod. मैं median पर focus करता हूँ, पर mod आपको आता है वो आपके homework में रख लेना, median आपको आता है आपके homework में। इसमें इन तीनों एक relation दूंगा जिसको empirical formula बोलते हैं, वो आपको बताऊँ। पहले खेल अपन पढ़े, तो पहले मैं इसमें आपको मीडियन निकालना सिखाता हूं, कैसे निकाल। अब बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पर अपने को एक चीज, एक टेबल में एक कॉलम बढ़ेगा और कुछ, जिसको सीएफ बोलेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या होता है जैसे बोलते हैं ना क्यूमुलेटिव कैरी फॉरवर्ड। आप अपनी कॉपी चेक करते हैं, टीचर जब कॉपी चेक करते हो तो मार्क्स, इस पेज के मार्क्स का टोटल यहाँ आता है, इनके पेज के मार्क्स का टोटल आगे चलता है, दैट इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड। उसी को अपन स्टैटिस्टिक के लिए, तो इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए
उसको ऐड करते जाए, कैरी फॉरवर्ड होते जाए। देखिए यह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आए, ये तो हो गया 4, अब इन दोनों का सम 9, इन तीनों का सम 22 प्लस 20 42, दिस इज 56 64 और 68, दिस टोटल दिस ऑल्सो 68। व्हेनेवर यू ऐड यू हैव सेम, ऑब्वियसली आपने ऐड ही किया। ये पिक्चर समझ में दिमाग में बैठी है, कहीं कंफ्यूजन? नो सर। बस ये बना लिया, सब आ गया, आपको कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी करना है फॉर्म क्वेश्चन में, सीएफ निकालना है मॉडल क्लास में। अब देखिए हम लोग मीडियम पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने कैसे डिसाइड किया था, मॉड के अंदर कैसे डिसाइड करते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से अपन मॉडल क्लास डिसाइड करते हैं। मीडियम क्लास के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, मीडियम क्लास के लिए यू फाइंड एन बाय टू, आप क्या करो यहाँ पर एन बाय टू निकाल लो, कैपिटल एन बाय टू। व्हाट इज योर कैपिटल एन, कैपिटल एन इज 68, दिस इज योर 68, एन बाय टू कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा 68 को 2। अब देखिए 34 कैसे डिसाइड करना है, अपने को बिल्कुल ध्यान से देखना है, दिस इज 34। अब आपने देखो यहाँ पर 4 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, ये 22 आ रहा है, 22 के बाद 42 आ रहा है, मतलब ये बड़ी बात है कि आपका 34 भी कुछ यहीं पर मिलेगा। ये अब सीएफ को ऑब्जर्व करना है, अगेन आई से यू ऑब्जर्व सीएफ हियर, आपने 34 आया एन बाय टू किया, जो भी है डेसिमल भी आया तो एक्सेप्ट कर लेना, कोई टेंशन नहीं लेना उसका। तो 34 आया बच्चे, तो यहाँ पर देखा कि 23 से, अपने ऐसा दिमाग में रखो कि यहाँ पर 23 से लेके 42 तक के लोग बैठे हुए हैं, तो 23 से 42 में अपना 34 ऑलरेडी आ गया, तो आपका यहाँ लिखेंगे मीडियम क्लास माध्यिका वर्ग अंतराल 125 to 145, ये माध्यिका वर्ग अंतराल मीडियम क्लास इंटरवल, ये मीडियम क्लास भी बोल सकते, कोई टेंशन नहीं। माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा आपका 125 से 145। अब देखिए आपके फॉर्मूले में दिस विल बी सीएफ, रिमेम्बर उसमें मैंने लिखा है फॉर्मूले में प्रेसिडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रेसिडिंग टू द मीडियम क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रेसिडिंग टू द मीडियम, मीडियम क्लास के पहले वाली, और ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूले में एफ हो जाएगा। मतलब स्टूडेंट यू कैन राइट सी एफ इज इक्वल टू 22, यू कैन राइट एफ इक्वल टू 20, यू हैव एल वन 125, एल वन अपना 125 हो, एच आपका 20 हो, ये सब चीज हो, सी एफ एफ एल वन, बस अपना काम शुरू कर दो। मीडियन इज इक्वल टू एल वन प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ, सबको आ रहा है ना? यस सर। आ रहा है सबको समझ में? यस सर। ओके तो एल वन हो जाएगा 125 प्लस एन बाय टू योर कैपिटल एन 68 बाय टू माइनस सी एफ 22 अपॉन एफ 20 और एच 20, ये 20 से 20 लग के लिए कैंसिल हो गया, 125 प्लस 34 माइनस 22 दिस इज 2 1। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके इसको उतारो, फिर मैं आपको इसका एक क्वेश्चन अभी करवाता हूँ आपसे।
सर डन डन तो फोर्थ क्वेश्चन कर लो इसका फोर्थ क्वेश्चन कर लो ध्यान रखना फोर्थ क्वेश्चन थोड़ी मेहनत करना है आपको पॉइंट फाइव मैंने इंटेंशनली दे रहा हूं ताकि पुराना भी रिवीजन हो जाए आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ करो बेटा इसके बाद कौन सा फोर्थ क्वेश्चन सेकंड अभी मैं करवाता हूं सेकंड अलग है थर्ड अलग है फोर्थ आप कर रहे फोर्थ में भी पुराना भी कंटिन्यूस सीरीज नहीं तो उसको कंटिन्यूस बनाना है इसको मिटा दूं मैं यस सर समझो तालिया करो बेटा फोर्थ फटाफट करना है स्पीड में करना है जरा याद है ना इसमें अपन 0.5 प्लस और माइनस करते थे लास्ट टाइम किया था अपन ने जब तक मैं सेकंड क्वेश्चन लिख के रखता हूं सर डन डन गुड यस 146.75 आंसर है सर उसको पीछे चेक कर ले एक बार आंसर बेटा सर 146.75 गुड गुड बहुत बढ़िया बाकी दूसरे बच्चों का अरे दूसरे बच्चों की पोजीशन तो देखो कितनों ने दर्शन दिए थोड़ा सा मेरा मोबाइल आज बोर्ड तो दिख रहा है ना तुमको तुम लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है अपने अपने बोर्ड यस सर यस सर हाँ बेटा बाकी लोगों को आया यस सर शुड आई डिस्कस वन क्वेश्चन नंबर टू कैन आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर टू यस सर ओके मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने सेट से इसको आईएमपी लगाई है द मीडियन इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 नीचे दिए गए बारंबारता बंटन का माध्यिका 28.5 है मीडियन इज गिवन मीडियन गिवन है 28.5 मीडियन की वैल्यू है यस फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y x और y की वैल्यू निकाल लो सबका टोटल दिया हुआ है आपको यदि याद हो अपन ने अरिथमेटिक मीन में जब करा था मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन तो वहां पर एक ही वेरिएबल मिसिंग था अब यहां पर दो वेरिएबल दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है करेंगे इसको क्वेश्चन को हां पर एक चीज वहां पर अपने को अरिथमेटिक मीन नहीं दिया था यहाँ पर देखिए दो मिसिंग वैल्यू है तो आपको दो कंडीशन भी देगा बच्चे एक कंडीशन उसने क्या दे दी कि 28.5 आपका मीडियन है और सारी फ्रीक्वेंसी का सम दे दिया
60 चलिए अपन अपने क्वेश्चन के हिसाब से काम करें, सीएफ निकालेंगे। सीएफ निकालते हो तो कंफ्यूज नहीं होना, जैसा अपन करते हैं वैसे ही करेंगे। ये हो जाएगा 5, इन दोनों का सम हो जाएगा 5 प्लस 6, इन दोनों का सम हो जाएगा 25 प्लस 6, इन दोनों का सम हो जाएगा 30, 40 प्लस 6, इन दोनों का सम हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y, एंड दिस इज व्हाट 45 प्लस x प्लस y, ये हो गया। अब बच्चे अपन लोग मीडियन तो देखे रखा है, ठीक। अब मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करें, या n by 2 तो कर नहीं सकते, 30 n by 2, चलो मैंने n ये 60 दिया हुआ है, इसका हाफ भी करो 30, तो यू आर नॉट श्योर वेयर इज 30, यू कैन नॉट से कि 25 प्लस x था तो सर यहां पर 30 आ जाएगा, नहीं, यहाँ पर एक कौन परेशान कर रहा है मेरे को, वेरिएबल परेशान कर रहा है, x, x अपनी वैल्यू कुछ भी अटेंड कर सकता है, x अपने को कभी भी धोखा दे सकता है, तो वी कैन नॉट से कि दिस इज आवर मीडियन क्लास, नहीं, मीडियन क्लास 30 है तो यहाँ मिलेगा तो ये मीडियन क्लास। अपन अपना मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करेंगे वो भी बताता हूँ, और उसके पहले एक काम कर ले अपन, देखो ये 45 प्लस x प्लस y आया ना, इन सबको भी ऐड करोगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट दैट 45 प्लस x प्लस y, आपके एक इक्वेशन हो जाएगी 45 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 60, इन सबका सम 60 दिया है, सो स्टूडेंट यू हैव वन रिलेशन, सॉरी वन इक्वेशन, x प्लस y इक्वल टू 60 माइनस 45, तो x प्लस y का मेक रिलेशन आ गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ये अपना एक काम हो गया, इसको यहाँ पे लाके छोड़ता हूँ। अब बच्चे एक इक्वेशन तो यहाँ आ गई, अब अपन दूसरा काम करें, ये जो मीडियन है इसको इसको एनकैश करें, सो मीडियन क्लास सिंस मीडियन आपका 28.5 मीडियन है, तो स्टूडेंट यहां से डिसाइड करो कि 28.5 कहां मिलेगा, 20 और 30 के बीच में मिलेगा 28.5, तो यही आपका मीडियन क्लास होगा, दिस इज मीडियन क्लास। इसको देख के, आंसर को देख के आप देखना, आपके मीडियन अरिथमेटिक मीन मीडियन और मॉड को जब सॉल्व करोगे ना तो आप लोगों के जो आंसर आते हैं ना वो इंटरवल के बीच का ही कोई नंबर होता है, एक खासियत अपने आप अपने आंसर को चेक करना हो तो ये अपन टेक्निक है कि अपन उसके बीच का ही आंसर ढूंढेंगे, मतलब आपका आंसर उसके बीच में आना चाहिए। ओके बच्चे, तो मीडियन 28.5 तो आप लिख देंगे मीडियन क्लास 20 to 30 हो जाएगा, मीडियम क्लास हो गया तो ये सीएफ हो जाएगा, सीएफ 5 प्लस एक्स, एफ हो जाएगा एफ 20, एलेवन 20 और एच एफ, मीडियम इज इक्वल्स टू एलेवन प्लस n by 2 minus cf upon f into h, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, मीडियन की वैल्यू दे दी आपको 28.5, l1 that is 20 plus n by 2 60 upon 2, अब यहाँ n का फायदा उठाएंगे 60 upon 2, ठीक है, ये हो जाएगा 60 upon 2, माइनस सी एफ 5 प्लस एक्स, तो मैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस 5 माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन एफ 20 और इनटू एच 10, थर्टी हुआ, यस सर, 25 माइनस एक्स
अपॉन टू, इसको कैंसिल कर दो। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? आ रहा yes. है यस सर। अभी इसको उधर ले आता हूं, 28.5 माइनस 20 इक्वल्स टू 25 माइनस x अपॉन टू, तो ये हो जाएगा 8.5 इक्वल्स टू 25 माइनस x। ये टेबल उतार लो तो इतना मेरे को जरूरत पड़ जाएगी। उतार ली टेबल? यस सर। सबने? यस सर। अब देखो ये 25 माइनस एक्स अपॉन टू था, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 8.5 इंटू टू 17 हो जाएगा, 17 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 25 माइनस 17, तो एक्स आपका 8 आ गया, एक्स अपना 8 आ गया। इसको यहां रख दो फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट 8 प्लस y इज इक्वल टू 15, y की वैल्यू 7 आ गई। आया समझ में? यस सर। यस सर। उतारो इसको, क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चे। डन। अब कल एक काम करना, कल ग्राफ पेपर लेके बैठना है ना, कल जब सुबह मिलेंगे सब, हार्डली 30 मिनट का और है मीडियन, फिर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कल आप याद से भूलना नहीं, ग्राफ पेपर अपने साथ, ग्राफ कॉपी, ग्राफ पेपर होंगे तो वो लेके बैठना, और प्लस पेंसिल वगैरह सही लगेगी मेरे को। तो कल अपन मीडियन ग्राफिकल मेथड से सीखेंगे अपन कल। ठीक है? यस सर। ओके बेटा, चलो टेक केयर। थैंक यू सर। इट्स ऑल राइट, और पढ़ाई करना है ना, अच्छे से पढ़ना बच्चों। ओके सर। ओके बेटा, चलो बाय बाय, गुड नाइट सर।